नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जुपिटर चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ के मैथ का सपोर्ट मटेरियल। दोस्तों, अगर आप जो है मैथ में 100 मार्क्स लाने चाहते हैं या आउट लाने चाहते हैं, तो आपको ये सपोर्ट मटेरियल मस्ट है करना। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिर्फ इस एग्ज़ाम में नहीं, यानी कि सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं, बल्कि ये हर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में आते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस। तो इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी इस चैप्टर की, यानी कि जो मैं चैप्टर आज आपको कराने जा रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन। जैसे आप देख सकते हैं कि सपोर्ट मटेरियल सॉल्यूशन क्लास टेंथ मैथ्स चैप्टर 3, ठीक है। इसमें ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ और ये इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो आप जो है फॉलो करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे जो है कि कमेंट सेक्शन दिया हुआ है वीडियो के नीचे, बिल्कुल लास्ट में जाएं वीडियो के नीचे, आपको वहाँ कमेंट सेक्शन मिलेगा, अपनी बात को वहाँ पर रख दें। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों देखिए, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट लेके आते हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है और 100,000 तो व्यू हो जाते हैं, लेकिन लाइक क्या 100-150 ऐसे आते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर लाइक करें ताकि जो है कि वीडियो थोड़ी प्रमोट हो सके, ठीक है। और कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं या आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्योंकि 8 तक मैं वो करवा चुका हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। मैंने अपनी स्क्रीन पे निकाल रखा है। आप जो है अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल नहीं है तो आप जो है हमारी वेबसाइट यानी कि edupedo.com पे जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। जहाँ PDF नोट वाला पेज है उसी पे क्लास टेंथ मैथ्स PDF नोट्स लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि यदि 3x प्लस 2ky इक्वल 2 हो, यानी कहा गया है कि 3x प्लस 2ky इक्वल 3, ये एक इक्वेशन दी हुई है। और सेकंड इक्वेशन लिखी है कि 2x प्लस 5y प्लस 1, यानी कि 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। और ये कहा गया है कि समांतर रेखाओं के समीकरण हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस के इक्वेशंस हैं, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। और देखिए ये इतना कठिन नहीं है, आपको अगर कंडीशन पता है, मोबाइल इधर रख देता हूं मैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि आपको कंडीशन देखनी है पहले, और कंडीशन क्या दी है कि पैरेलल लाइंस है, ठीक है। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, मैं दोनों भाषाओं में पढ़ा रहा हूं, तो इंग्लिश मीडियम वाले टेंशन ना लें। समांतर यानी पैरेलल लाइंस है, कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कंडीशन होगी पैरेलल लाइंस के लिए वो क्या होती है कि a1 अपॉन में a2 इक्वल होती है b1 अपॉन में b2 के, और इक्वल होती है c1 अपॉन में c2 के। यही कंडीशन है पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें a1 b1 c1 निकालना है और a2 b2 c2 निकालना है। इसके लिए हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है, ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है bx by प्लस में c इक्वल 0। तो इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसको लिखना है, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टाइम खर्च ना करते हुए, इतना तो आप भी समझ ही गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो इसका बेसिक की वीडियो इसकी एक है वो देख लें। तो A1 है हमारे पास 3, और ये जो y छोड़ के जो बचेगा B1 होता है, और ये इसको इधर लाइए तो माइनस का 3, यानी C1 इक्वल क्या हो गया, माइनस 3। ऐसे ही निकालिए यहाँ पे A2, तो A2 इक्वल क्या आएगा, हमारे पास 2 आता है और ये 2 है यहाँ पे, और B2 इक्वल क्या हमारे पास 5 है, ठीक है ना, वाई के साथ जो है, और C2 हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। और फिर आप नीचे लिखेंगे फॉर पैरेलल कंडीशंस, यानी कि समांतर रेखाओं के लिए। तो भाई समांतर रेखाओं के लिए हमारे पास कंडीशन है A1 अपॉन में A2, तो A1 हमारे पास क्या है, देखिए तो 3, तो हम लिखेंगे 3 अपॉन में A2 यानी कि 2 इक्वल B1 अपॉन में B2 यानी कि 2K अपॉन में 5 और इक्वल C1 यानी कि, अच्छा एक चीज़ और कि पैरेलल दिया हुआ है तो ये वाला नॉट इक्वल होगा, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये संपाति के लिए होता है ना, तो ये वाला जो है कि नॉट इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट इक्वल, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, यहाँ इतना शोर होता है कि उसी पे कॉन्सेंट्रेशन रहता है कि शोर ना हो ज़्यादा वीडियो में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये कंडीशन होगी, ठीक है, कि यहाँ पे नॉट इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जो अभी लिखी थी कंडीशन वो संपाति के लिए थी कि दो लाइनें एक के ऊपर एक जब आती हैं तब वो कंडीशन लगती है, ठीक है, अभी ये कंडीशन इसके लिए है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इन दोनों को भी इक्वल ले सकते हैं और इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस पे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं ऐसे, 2k अपॉन में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसमें गुणा कीजिए, इससे इसमें गुणा कीजिए,
तो 3 × 5 = 2k × 2, ओके। तो ये हो गया 4k, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये 4 जो है इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो गया 15/4, ये हो गई k की वैल्यू, ठीक है। ये k की वैल्यू होगी तो लाइन पैरेलल आएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है कि आपने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया। कौन सॉल्व किया? क्वेश्चन नंबर 9। अगर दोस्तों कुछ समझ ना आया हो तो आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है वहाँ जाके जो है कि नीचे कमेंट सेक्शन जो दिया है वहाँ जाके अपनी जो है कि कमेंट करें, और जो भी होगा मैं उसके जो है कि रिगार्डिंग एक्शन लूँगा और आपकी हेल्प कर दूँगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं जरा। तो अगले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, कुछ भी हो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो 10th क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 10th क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अगर x = 2 और y = 3 का आलेख बनाने पर किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होगी। अच्छा, यानी यहाँ पे वो कंडीशन दी हुई है कि आपको ग्राफ पूछा जा रहा है कि x = 2 है आपके पास और y = 3 है, तो किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। तो बहुत ही सिंपल इंटरसेक्टिंग होगा, क्यों अभी दिखाता हूँ। देखिए आप जब ऐसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, ऐसे ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, जो है मैं बता देता हूँ, ग्राफ ग्राफ खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई कर लीजिए आपको पता चल जाएगा। जैसे दो इक्वेशन दी हुई है ना, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x + 0y = 2, अगर इसको इधर ला दो तो क्या हो जाएगा, -2 = 0, ये होगी पहली इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन बनाती है दूसरी इक्वेशन, भाई अकेले दिए तो हम क्या करें, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है पहले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0x, क्योंकि x वाला है ही नहीं, और y और -3 = 0, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ किस टाइप का आएगा, किस प्रकार का आएगा। तो चलिए a1 ले लेते हैं। a1 क्या है यहाँ पे देखिए, a1 है आपके पास क्या, a1 है 1, और a2 आपके पास क्या है देखिए तो 0। ऐसे ही यहाँ पर b1 निकालिए, b1 क्या है देखिए तो 0, और b2 क्या है यहाँ पर देखिए तो 1। ऐसे c1 क्या आपके पास, यहाँ 0, और यहाँ भी -2, ठीक है, क्या है -2। ऐसे C2 क्या हमारे पास, -3। अब आप देखिए आपके पास A1 B1 C1 है, A2 B2 C2, यही सही तरीका है, ठीक है ना, कि ग्राफ किस प्रकार का आएगा। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए, उसके बाद जो है कि कंडीशन लगाइए कि A1/A2 निकाल के देखिए कितना आ रहा है, 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। और B1/B2 अलग से निकाल के देखते हैं तो 0/1 = 0 आ गया, और C1/C2 = -2/-3, यानी कि 2/3 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि ये जो A1/A2 है, ठीक है, जो A1/A2 है क्या वो इक्वल आ रहा है, देखिए आप ही देखिए क्या इसके इक्वल आ रहा है, क्या ये इसके इक्वल आ रहा है क्या, यानी जो तीन कंडीशन हमने निकाली है इन्फिनिटी 0 2/3, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि A1/A2 पहले दो देखते हैं वो बराबर है ही नहीं किसके, B1/B2 के। जब पहली कंडीशन ही ऐसे सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब ये है कि अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन है, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसके अद्वितीय हल होंगे, क्या होंगे, अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन, ओके। और ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि हमसे तो क्वेश्चन में ग्राफ पूछा गया है, तो ग्राफ कैसा होगा आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब अद्वितीय हल है यूनिक सॉल्यूशन आता है तो ग्राफ आता है इंटरसेक्टिंग, कैसा ग्राफ आएगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ आएगा, यानी कि इंटरसेक्ट करेंगे लाइन्स, ठीक है, लाइन्स इंटरसेक्ट, कैसा ग्राफ आएगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ आएगा, ओके। और हिंदी में अगर हम लिखें तो प्रतिच्छेद करेंगे, रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, बस यही आंसर कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यानी ग्राफ जो आएगा वो प्रतिच्छेद आएगा, इंटरसेक्टिंग टाइप का आएगा, ठीक है, जहाँ पे एक दोनों लाइनें जो है कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं ऐसे इंटरसेक्ट करती नजर आएंगी, काटती नजर आएंगी, और यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी एक्स और वाई। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो क्वेश्चन से समझ में आ रहे होंगे। ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है आपके रिस्पांस के लिए, अगर आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा, और अगर रिस्पांस और अच्छा आएगा तो जल्दी जल्दी बनाऊंगा, और अगर रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा तो धीरे धीरे करके बनाएंगे, लेकिन बनाऊंगा ज़रूर मैं, ठीक है। तो अगर आप सेटिस्फाई हैं वीडियो से तो प्लीज़ नीचे जाके कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज़ 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 लाइक करिए, क्योंकि मैं बहुत हार्डवर्क करता हूँ फिर भी जो है कि कोई प्रॉफिट नहीं होता मुझे यूट्यूब से, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। और वही अगर प्रैंक की वीडियो है तो आप लोग बहुत प्रमोट करते हैं, तो प्लीज़ यार इसको ही प्रमोट कर दो, ठीक है, ताकि जो है कि हमारी जो मेहनत है हार्डवर्क है वो सबके सामने आ सके। थैंक यू, बाय बाय।